हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ शेखर। आई वेलकम यू टू दिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अक्सर हम पुराने समय से जुड़ी हुई बातों की चर्चा करते हैं और ये भी चर्चा करते हैं कि अब वो आउटडेटेड हो गई है, अब वो प्रचलन से बाहर हो गई है। तो ऐसे में अगर कोई हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करने का या फिर उनका जिक्र करे तो अक्सर कहने में आता है कि अरे, इसका ज़माना तो गया, इसके दिन लद गए, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहने के लिए हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं और वो फ्रेज़ है गोन आर द डेज ऑफ। जी हाँ, गोन आर द डेज ऑफ। वाक्य की शुरुआत ही हम गोन शब्द से करेंगे और ये अपने आप में एक रेडीमेड सेंटेंस है, यानी कि ये अपने आप में एक फ्रेज़ है और इसमें हम ग्रामर के नॉर्मल रूल्स की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो जब हम बोलेंगे गोन आर द डेज ऑफ, तो इस पर्टिकुलर हिस्से से ये पता चल जाएगा कि हम किसी ऐसी चीज़ या ऐसे काम का जिक्र कर रहे हैं जो अब आउटडेटेड हो गई है, जो अब प्रचलन में नहीं रही है। मान लीजिए हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर आवागमन के साधनों की बात करें, तो बैलगाड़ी अब इस्तेमाल में नहीं होती है। एक ज़माना था जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या और इसी किस्म की गाड़ियों का इस्तेमाल करना होता था। गाड़ी को हम बोलते हैं कार्ट, CART कार्ट, और जो भी जानवर उस गाड़ी को खींचता था उसका नाम हम उसके आगे लगा देते हैं। जैसे बैलगाड़ी को बोलेंगे बुलक कार्ट, या फिर अगर हम घोड़ा गाड़ी बोलना चाहें तो हम बोलेंगे हॉर्स कार्ट, या कैमल गाड़ी अगर बोलना चाहें तो उसके लिए होगा कैमल कार्ट। तो जो भी गाड़ी होगी उस एनिमल का नाम जो उसे खींचेगा हम आगे लगा देंगे। तो बैलगाड़ी एक बहुत ही प्रचलित साधन था किसी ज़माने में, जो अब इस्तेमाल में नहीं रहा है। तो गया ज़माना बैलगाड़ी का, इसके लिए आप कहोगे गोन आर द डेज ऑफ बुलक कार्ट। अब जैसे ही हम बात करते हैं कि इस चीज़ का ज़माना गया, तो अगली चर्चा इसी बात की होती है, तो फिर इसको किसने रिप्लेस किया है, अब किस चीज़ का ज़माना आ गया है, अब क्या प्रचलित होता है। अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की ही बात करें तो अब तो रेलगाड़ी का ज़माना आ गया है और रेलगाड़ी भी एडवांस हो चली है। अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन्स आ गई हैं या फिर बुलेट ट्रेन्स भी आने ही वाली हैं, तो एडवांसमेंट काफ़ी हो रहा है, अब रेलगाड़ी का ज़माना है। इस बात को कहने के लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? इसके लिए जो हम फ्रेज, जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो है दीज आर द डेज ऑफ। जी हाँ, दीज आर द डेज ऑफ के बाद भी हम नाउन या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि अब इस चीज़ का ज़माना आ गया है। तो अगर हमें कहना है कि मेट्रो ट्रेन्स का ज़माना आ गया है, तो हमारा सेंटेंस होगा दीज आर द डेज ऑफ मेट्रो ट्रेन्स। बुलेट ट्रेन का समय आ गया है, तो हम बोलेंगे दीज आर द डेज ऑफ बुलेट ट्रेन्स। तो एक समय था जब भारत गुलाम यानी कि स्लेव हुआ करता था और हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज होता था। जो रूल्स वो बनाते थे वो उस समय के लोगों को, हमारे पूर्वजों को फॉलो करना होता था। तो अब गया ज़माना अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं रहा, इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे गोन आर द डेज ऑफ ब्रिटिश या गोन आर द डेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश और ब्रिटिश जो है वो सिनोनिम है, आपस में एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल इन्हें किया जा सकता है। अब गुलामी का ज़माना गया, कैसे कहेंगे? गोन आर द डेज ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। अब तो आज़ादी का समय आ गया है, इसके लिए हम कहेंगे दीज आर द डेज ऑफ फ्रीडम। अगर हम मनोरंजन की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, तो पुराने समय में फिल्में ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, टेलीविज़न सेट भी ब्लैक एंड वाइट ही हुआ करते थे। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का ज़माना गया। हाउ वुड वी से गोन आर द डेज ऑफ ब्लैक एंड वाइट मूवीज़। अब तो 3D फिल्म्स का ज़माना आ गया है, दीज आर द डेज ऑफ 3D मूवीज़। हालांकि फिल्में और मूवी भी काफ़ी पीछे छूट गई हैं और अब वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया है। कैसे कहेंगे इस बात को? दीज आर द डेज ऑफ वेब सीरीज़। युवाओं के लिए हमेशा से ही रोज़गार एक बड़ी चुनौती रही है और रोज़गार पाना अपने आप में एक बड़ा ही अचीवमेंट माना जाता है। तो एक वक्त था जब गवर्नमेंट जॉब्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ करते थे। हमारे बड़े सयाने कहते हैं कि अगर कोई थोड़ा भी एजुकेटेड होता था, अगर उसने 10th भी पास किया है, तो उसे सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है और गवर्नमेंट जॉब पाना आसान नहीं रहा है। वैसे भी अब गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है।
तो अगर हमें कहना है कि सरकारी नौकरियों का जमाना गया, कैसे कहेंगे? हमारा सेंटेंस होगा, गोन आर द डेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, अब तो मल्टीनेशनल कंपनीज का जमाना है और इसी में युवा अपना करियर भी खोजते हैं। आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करके अपने आप को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सेट करना चाहते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज का जमाना है। इसके लिए हम कहेंगे, दीज आर द डेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, या इसको शॉर्ट में कहते हैं MNCs। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में जो बड़ी चुनौती स्टूडेंट्स के सामने आती है वो होती है हेजिटेशन, वो होती है झिझक। झिझक और हेजिटेशन के कारण जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी क्षमताएं हैं, उन्हें आप पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हेजिटेशन अब पुराने ज़माने की बात हो गई है, हेजिटेशन का ज़माना गया। इसके लिए आप कहेंगे, गोन आर द डेज ऑफ हेजिटेशन। तो इसके बदले में क्या करें फिर? हेजिटेशन को दूर करें तो किस चीज़ को अपनाएं? हम कहेंगे कॉन्फिडेंट बने, अपने आप को कॉन्फिडेंस से भर लें, अपना नॉलेज बढ़ाएं और अपने आप को रिप्रेजेंट करने की स्किल्स भी डेवलप कर लें। तो इसके लिए आप कहेंगे, अब समय आ गया है कॉन्फिडेंस दिखाने का, आत्मविश्वास दिखाने का। तो हमारा सेंटेंस होगा, गोन आर द डेज ऑफ हेजिटेशन एंड दीज आर द डेज ऑफ शोइंग कॉन्फिडेंस। अगर हमें ये कहना है कि पिछड़ेपन का जमाना गया, तो हमारा सेंटेंस होगा, गोन आर द डेज ऑफ बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस मतलब होता है पिछड़ापन, और अब जमाना आ गया है तरक्की का, विकास का। इसके लिए कहेंगे, दीज आर द डेज ऑफ डेवलपमेंट। तो उम्मीद करता हूँ इन सभी उदाहरणों से आपने इन तीनों फ्रेजेस का इस्तेमाल करना सीख लिया है और आप भी अब इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम।